वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज एज अर्लियर वी हैव डिस्कस व्हाट इज एन इंटरव्यू सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर डजन्स टाइप ऑफ इंटरव्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 9 मोस्ट कॉमन टाइप्स कैन ईजीली बी ट्रांसफर्ड टू अदर इंटरव्यू सिचुएशन दैट वन मे इनकाउंटर For ease of reference, we will list the types in alphabetical order. So first of all, बच्चे हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है हम जब भी इंटरव्यू की बात करते हैं तो हम यही समझते हैं कि इंटरव्यू इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब हमारे जहन में जब भी कहीं हम कोई पोस्ट देखते हैं जब भी कोई इश्तिहार देखते हैं मैसेज देखते हैं हम यही समझते हैं इंटरव्यू इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब बट ऐसा नहीं है इंटरव्यूज़ की और भी काफ़ी सारी क्या हैं टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज काउंसलिंग इंटरव्यू ठीक है द इंटेंट ऑफ द काउंसलिंग इंटरव्यू इज टू हेल्प द इंटरव्यूज अनकवर एंड सॉल्व करियर रिलेटेड पर्सनल और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स जॉब चेंज एंड रिलेशनशिप्स विद अ बॉस और कोवर्कर आर दे मे डील विद पर्सनल प्रॉब्लम्स सच एज स्मोकिंग ड्रग अब्यूज और फैमिली डिस्कॉर्ड काउंसलिंग इंटरव्यू आप किसी को मशवरा देने के लिए भी फेस टू फेस बेसिकली इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन ठीक है और आपने क्या करना होता है जब किसी के साथ मशवरा करना होता है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंटरव्यू दैट डील्स विद काउंसलिंग इंटरव्यू ठीक है जब आपका फॉर एग्जांपल आपका क्लास में कोई प्रॉब्लम हो गया है सीआर एंड जीआर आपको जब डील करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं कोई प्रॉब्लम हो गया है क्लास में कोई और मसला हो गया स्टूडेंट्स का आपस में प्रॉब्लम हो गया है तो आप जब फेस टू फेस बात करते हैं या आपके यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसका आपने सोल्यूशन निकालना दैट इज़ काउंसलिंग इंटरव्यू आप किसी को क्या कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह की कोई चीज़ के लिए पुशअप कर रहे होते हैं या उसको बता रहे होते हैं कि हाउ यू हैव टू डील दैट वन नंबर सेकेंड इज़ एम्प्लॉयमेंट जॉब इंटरव्यू दैट इज़ द थिंग जो हम इंटरव्यू देखते ही हमारे जहन में आता है और हम समझते हैं कि इंटरव्यू इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट सो इसके अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स बिकॉज इन इट सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस आर मेड ये इंटरव्यू की टाइप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है और इसके अंदर हम किसी को क्या कर रहे होते हैं किसी के करियर का फैसला करते हैं on the basis of education, on the basis of communication skills, on the basis of personality, हम जब job interview में जाते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं Number third is exit interview. और ये जितने भी interviews की हम बात कर रहे हैं ये alphabetically order में हैं और इनके title से ही इनके अंदर मतलब छुपा हुआ है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं whether an employee simply quits or is laid off or fired, it can be to the organization's benefit to discover the perception of this employee who has nothing to lose. बाज़ औक़ात आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई भी किसी कंपनी में काम कर रहा है उसको निकाल दिया जाता है या फिर वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाह रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन से एक से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में तो that is being done as the sort of exit interview. इसके अंदर बताया जाता है कि आप इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपने इस कंपनी के साथ इतना अरसा काम किया क्या क्या अप्स एंड डाउन्स थे आपकी क्या परसेप्शन है आप जाते हुए हमें कौन कौन सी बातें ऐसी बता के जा सकते हैं जो क्या होगी फॉर द सेक ऑफ नेक्स्ट टाइम हमारे लिए क्या होंगी फ़ायदा मंद होंगी बाज़ औक़ात आपको जब एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि आप जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो आपसे जब बात की जाए और आपको कहा जाए कि आप अप्स एंड डाउन बताएं तो आप उस वक्त थोड़े से कम बताएंगे या आपसे कोई बाहर वाला पूछेगा तो आप कहेंगे यूनिवर्सिटी इज़ वेरी वंडरफुल ईच एंड एवरीथिंग इज़ सिस्टमाइज्ड बट ऑन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जब आप डिग्री ले कर चले जाएंगे फिर आप असल बातें बता रहे होंगे कि क्या मामलात हैं क्या अप्स एंड डाउन्स ग्रीवियंस इंटरव्यू द ग्रीवियंस इंटरव्यू इज़ एनी टाइप ऑफ वन टू वन इनकाउंटर इन्वॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड इस रेजोल्यूशन इसके अंदर आपको कोई दरपेश मसाइल का आप क्या निकालते हैं सोल्यूशन निकालते हैं आपको किसी भी तरह का सिचुएशन लीडिंग टू दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इंक्लूड्स एम्प्लॉयर डिस्प्यूट्स ओवर वर्किंग हॉर्स और वेजेस कस्टमर सेल्स पर्सन कन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का टीचर स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट
कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर आपको है तो आप इसके अंदर उसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नंबर 5, ग्रुप इंटरव्यू। ऑल द इंटरव्यू विद वन इंटरव्यूअर एंड द वन इंटरव्यू आर द मोस्ट कॉमन ग्रुप इंटरव्यू सच एज पैनल एंड बोर्ड इंटरव्यूज। बाज़ औक़ात आपके इंटरव्यू में एक बंदा होता है, बाज़ औक़ात पैनल होता है जिसमें 3 से 4, 2 से ज़्यादा बंदे होते हैं। सो आपका इंटरव्यू ग्रुप की शक्ल में भी हो सकता है और आपका इंटरव्यू सिंगल पर्सन भी आपका इंटरव्यू ले सकता है। वो किसी भी तरह का इंटरव्यू हो सकता है, फॉर द सेक ऑफ जॉब, फॉर द सेक ऑफ कंसोलमेंट, फॉर द सेक ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्रीवियंस, किसी भी तरह का हो सकता है। बट वो मैटर करता है कि उसके अंदर पार्टिसिपेंट कितने हैं, आपके बोर्ड के बंदे कितने हैं। नंबर 6 पे हमने बात करनी है इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू। इन इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज गिव और सीक इंफॉर्मेशन। इन एन इंफॉर्मेशन गिविंग इंटरव्यू द इंटरव्यूअर बॉन्ड्स टू इम्पार्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड अ डेंटल हाइजेनिस्ट एडवाइजिंग अ क्लाइंट ऑन हाउ टू ब्रश टीथ, एन ऑटोमोबाइल सेल्स पर्सन डिमॉन्स्ट्रेटिंग फॉर अ कस्टमर द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ द क्रूज कंट्रोल, और सुपरवाइजिंग इंफॉर्मिंग एन एम्प्लॉय अबाउट अ न्यू कंपनी पॉलिसी। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपका कोई भी एम्प्लॉय अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी तरह की क्या दी जाती है, मालूमात दी जाती है आपकी। पहले से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल जैसा कि उसने कहा कि आपका सेल्स मैनेजर जो है वो आपको अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन बताएगा कि ये चेंजिंग कर दी गई। अगर मोबाइल की बात करें तो अगर आप मोबाइल कंपनी में काम करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आपको बताया जाता है कि इसके ये फ़ीचर्स क्या कर दिए गए, चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें प्ले स्टोर के ऊपर कुछ दिनों बाद आपके पास क्या आ जाती है, अपडेट आ जाती है। दैट इज़ द थिंग कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या की जाती है, अपडेट की जाती है आपके साथ। इन एन इंफॉर्मेशन सीकिंग इंटरव्यू द इंटरव्यूअर वांट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू। एग्जांपल इंक्लूड अ लॉ इंटरव्यूइंग क्राइम विक्टिम्स और विटनेस, अ फिजिशियन इंटरव्यूइंग अ पेशेंट अबाउट हिज मेडिकल हिस्ट्री, और अ जर्नलिस्ट कंडक्टिंग अ पब्लिक ओपिनियन पोल। मुख्तलिफ किस्म के आपका डॉक्टर भी आपसे पूछ सकता है कि आपको ये जो बीमारी थी या आपने इसमें कितने दिनों में जो मैंने एक्सरसाइज बताई आपने की है या नहीं की, ठीक है। इसी तरह आपका जो है वकील, जब आपके अगर आप देख रहे होते हैं कि मुलजिम के साथ जब बात कर रहा होता है तो उससे भी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा होता है, कलेक्ट कर रहा होता है। नंबर 7 इज़ इंटरोगेशन इंटरव्यू। इन इंटरोगेशन इंटरव्यूज देर इज़ यूजुअली सम टाइप ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल अ फिल्म रिप्रेजेंटेटिव मैनी मे इंटरोगेट अ कस्टमर इन अ केस ऑफ शॉपलिफ्टिंग, एन एम्प्लॉयर मे इंटरोगेट एन एम्प्लॉय इन अ केस ऑफ मिसिंग कंपनी फंड्स, और अ पुलिस ऑफिसर मे इंटरोगेट अ सस्पेक्ट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके तमाम जो वर्ड्स हैं वो उसी के अंदर इनका मतलब क्या है छुपा हुआ है। तो इंटरोगेटिव इंटरव्यू के अंदर आप क्या करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी, या आप किसी से क्या करते हैं, सवालात पूछते हैं। जैसा कि उसने कहा कि पुलिस वाला जो है वो चोर से सवालात पूछता है, विक्टिम से सवाल पूछता है, और वकील जो है वो अपने मुलजिम से सवाल पूछता है। इसी तरह कि आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो एज ए बीइंग आप अगर फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस को देख रहे हैं तो कहीं पे अगर कोई गड़बड़ है तो आपका मैनेजर आपसे सवाल पूछेगा कि, बट इन द केस ऑफ इंटरव्यू फेस टू फेस कम्युनिकेशन विल बी देयर एंड ओनली क्वेश्चन विल बी देयर, सो दैट इज़ इंटरोगेशन इंटरव्यू। नंबर 8 इज़ persuasive interview. Many employers, customer, employee, boss or employees interview situation are really persuasive in nature. For example, selling a customer a new project, convincing the boss that an employee deserve a rise, or persuading colleagues to go along one suggested office rearrangement or all example of persuasive interview. Isme aap kisi ko apni baat ki taraf kya kar rahe hote hain, माइल कर रहे होते हैं, आप कह रहे होते हैं कि ये जो सजेशन है या ये जो बात है, या जैसे कि उसने कहा कि आप अपने बॉस को बताते हैं कि ये जो हमारी चीज़ है इसके अंदर हम अपने कस्टमर को ये फ़ायदा दे सकते हैं। आप किसी न किसी बात की तरफ किसी को क्या कर रहे होते हैं, माइल कर रहे होते हैं, परसू कर रहे होते हैं। नंबर 9 एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी टेक्निकल एंड यू कैन से मॉडिफाइड वन, टेलीफोन इंटरव्यू।
एज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज कंपनीज आर यूजिंग द टेलीफोन इंटरव्यू मोर ऑफन अ वे टू कलेक्ट सर्वे इंफॉर्मेशन एज फॉलो अप विद कस्टमर्स टू डिटरमाइन देयर सेटिस्फेक्शन विद द परचेज और प्रोसीजर सच एज अ कार रिपेयर एंड स्क्रीन जॉब एप्लीकेंट्स व्हेन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और determining customer satisfaction, the introduction or opening phase is very important because 1/3 of the respondent hang up or refuse the interview in the first few seconds of the call. बाज़ औक़ात आप कोई product use करते हैं तो आपको company की तरफ से क्या आती है, call आती है कि that how was the experience. ठीक है, बाज़ औक़ात अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो आपको कॉल करते हैं कि पूछते हैं आपको इंटरनेट के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या आप कहीं से किसी शॉपिंग मॉल से कोई चीज़ लेके आते हैं तो शॉपिंग मॉल वाले क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ फीडबैक वो पूछते हैं कि आपने हमारा जो चीज़ें प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ. सो दैट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू. ठीक है, और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा आपको अगर कंपनी के नंबर से कॉल आए तो आप आफ्टर 15 to 20 seconds आप उनकी बात सुन के आप कॉल को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं. सो ये जो है फिज़िकल में नहीं आता, दैट ये जो लास्ट टाइप हमने पढ़ी है ये हमारी फिज़िकलिटी के साथ डील नहीं करती, ये टेलीफोनिक है और ये इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या हो रही होती है, यूज़ हो रही होती है. दैट्स इट.